Greetings to all of you in the name of the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज की सुबह आप सबका अभिवादन करता हूं. This is the day the Lord has made, given to us that we may rejoice in him and serve him and glorify him. और ये वो दिन है जो यहोवा ने हमें दिया है ताकि हम उसमें आनंदित हो जाएं और उसकी सेवा को करते रहें. He also has given us his divine power. और उसने हमें अपने स्वर्गीय सामर्थ्य को भी दिया है. So my subject this morning meditation is. और इसलिए आज की सुबह मेरा जो मनन का शीर्षक है. Uninterrupted use of divine power. और कैसे हम स्वर्गीय सामर्थ का बिना रुकावट के प्रयोग कर सकते हैं. लूक चैप्टर गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 13 वर्सेस 10-16 और लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय क्षमा करेगा 13वां अध्याय और 10वें वचन से लेकर के 16वें वचन तक. सो लेट अस रीड इट. आइए हम इसे पढ़ें. चैप्टर 13 वर्सेस 10-16 और लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 10वें वचन से लेकर 16वें वचन तक. यू वांट टू रीड इट इन हिंदी? यप. गो अहेड. सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था. वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी. यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई. तब उसने उस पर हाथ रखे और अपने और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी. इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था, आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं. यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? आमेन. आमेन. God has given all the powers to man. और परमेश्वर ने हर प्रकार का सामर्थ्य मनुष्य को दिया है. He wants man to use with this power with freedom. और वो चाहता है कि मनुष्य पूरी स्वतंत्रता और आजादी के साथ इस सामर्थ्य का प्रयोग करे. Then what is it that hinders man from using these powers? Is that he is bound by the fetters of sin. और कौन सी ऐसी बातें हैं कि ये सामर्थ्य होने के बाद भी मनुष्य इस सामर्थ्य का प्रयोग नहीं कर पाता है? वो इसलिए क्योंकि वो पापों से घिरा हुआ है. And then there is the power of Satan. और उसके पश्चात शैतान का भी शक्ति है जो उसे घेरे हुए है. His agenda is to enslave every human being to him. और शैतान का तो कार्य सिर्फ इतना ही है, वो इतना ही चाहता है कि हर एक मनुष्य को अपना दास बना ले. But there is a true freedom. लेकिन एक सच्ची आजादी है. And the true freedom is the unhindered and uninterrupted use of all powers. और सच्ची आजादी का मतलब है अपनी पूर्ण स्वतंत्रता को आप पूरी सामर्थ्य के साथ आप उसका प्रयोग करें. All powers that God has given us for use. और वो सारी सामर्थ्य जो परमेश्वर ने हमारे प्रयोग के लिए दी है. Now this woman about whom we read today is a perfect example of this truth. और इस स्त्री के बारे में जिसके बारे में वचन में हमने आज की सुबह पढ़ा है, ये इस सत्य का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है. How a sin bound soul may enter into the freedom of God. कि कैसे एक पाप ग्रस्त आत्मा परमेश्वर के आजादी और उद्धार में आ सकती है. She is a perfect example of what Satan is plans for you. और वो एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है कि शैतान आपके लिए क्या योजना बनाता है. Notice a few things. कुछ बातों को आप देखें. About this woman. जो स्त्री के बारे में है. Number one. पहली बात. She was bent. वो कुबड़ी हो गई थी. Now the word used is crooked. और वहाँ पर जो शब्द प्रयोग दुर्बल के लिए किया गया है उसका मतलब है कुबड़ा होना. एंड बाउड टुगेदर या एक साथ बांध दिया जाना. शी हैड बीन बाउंड बाय सैटन
और शैतान ने उसे बांधा रखा था. That's what Jesus told clearly in verse 16. और इसी बात को यीशु ने भी 16वें अध्याय में उस सरदार को बताया. Then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 years, set free on the Sabbath? तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? She was, in other words, she was completely deformed by the power, by the evil power. और दूसरे शब्दों में वो शैतान के शक्ति के द्वारा पूर्ण रीति से उसे कुबड़ा बना दिया गया था. And by the work of the devil. और शैतान ने उसके ऐसे ही उसके जीवन में कार्य किया. It is always Satan's business wherever he can to bow down the souls of men. और शैतान का कार्य और योजना यही है कि जहां कहीं पर भी उसे मौका मिले वो मनुष्यों के आत्माओं को झुका डाले. And so what is the condition of such people? और ऐसे लोगों की दशा क्या होती है? They are bowed down to earth. Earth is the only thing they are able to see. तो ऐसे लोगों की दशा ये होती है कि वो उनके सर झुक जाते हैं और पृथ्वी की या भूमि की ओर वो सिर्फ भूमि को ही देख सकते हैं. Sin always makes a crook out of you. और याद रखिए, पाप आपके जीवन में आपको दुर्बल बना देता है. And men are so bound together. और मनुष्य भी आपस में ऐसे बंधे हुए हैं. By the love of the world, कि वो संसार से इतना प्रेम रखते हैं, that they cannot lift their faces to heaven, कि वो अपने सरों को स्वर्ग की ओर नहीं उठा सकते. Sin never lifts you up, कि पाप कभी भी आपको ऊंचा नहीं उठाता. It always keep you down, वो तो हमेशा आपको नीचे रखता है. And takes you into the pit of despair, और आपको उस निराशा के गड्ढे में लेके जाता है. This is the business of Satan. और ये उस शैतान का व्यवसाय है. Satan will keep you always down. और याद रखिए, शैतान आपको हमेशा नीचे रखेगा. Bound and crooked. और आपको बंधा हुआ रखेगा और कुबड़ा बना देगा. By constantly bombarding you with temptations. और ताकि और ऐसा वो करेगा, निरंतर परीक्षाओं को आपके सम्मुख लाकर. The guilt become heavier than the sin itself. और वो दोष आपके जीवन में और भारी हो जाता है, पाप से भी कहीं ज्यादा. That's what sin does. और वैसा ही पाप करता है. Secondly, दूसरी बात, she was helpless. वो असहाय थी. She could not lift herself up. वो खुद को उठा नहीं सकती थी. It was impossible to break the cords that bound her face to the earth. और ये तो असंभव था कि वो उन बंधनों को तोड़कर, जिसने उन बंधनों के द्वारा, जिसके कारण वो झुकी हुई थी, उनको तोड़कर वो सीधी खड़ी हो जाए. She was so long bowed down. और वो इतने लंबे समय से झुकी हुई थी. That her deformity became fixed. ताकि उसका जो कुबड़ापन था वो स्थायी बन चुका था. She knew it. और वो इस बात को जानती थी. She was conscious of the fact, but she could not, no one could offer any answer to her problem. और वो इस सच्चाई को जानती थी, और लेकिन कोई भी उसकी समस्या के प्रति उत्तर नहीं दे पा रहा. The religious leaders could not offer. और जो धार्मिक शिक्षक वहां मौजूद थे वो भी कोई सहायता नहीं कर पाए. They were very quick to judge Jesus and judge this woman. और वो तो बड़े ही तेजी के साथ उन्होंने इस स्त्री को और यीशु मसीह को के ऊपर दोष लगाया. Saying that you are not honoring God who gave the commandment to keep the Sabbath free from all work. और ये कहते हुए कि तुम परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे हो, जिसने सबत को रखने के लिए हमें अपना आदेश दिया है. Look at what is around you. देखो तुम्हारे चारों ओर क्या है. So many who are morally bowed together. कितने ही ऐसे हैं जो अनैतिक रूप से झुके हुए हैं. Through drinks and drugs. जो नशा
दारू पीने के कारण उनका जीवन झुक गया, सेक्सुअल इमोरालिटी या वो यौन संबंध गलत तरीके से यौन संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं उस वजह से, ग्रीड एंड सेल्फिशनेस और वो स्वार्थपन या वो लोभ या लुच्चापन. आर यू वन ऑफ देम? क्या आप भी ऐसे व्यक्तियों में से एक हैं? Among those who are listening to this, is there anyone who is in this condition? क्या जो आज की सुबह हमें सुन रहे हैं इसमें आप में से कोई ऐसा है जो इस परिस्थिति में जी रहा है? Some of you may be bowed together. हो सकता है आप में से कुछ बंधे हुए और झुके हुए हैं. And you know it. और आप इस बात को जानते हैं. You tried to free yourself several times. आपने बहुत कोशिश करी कई बार कि आप खुद को स्वतंत्र कर लें. But you couldn't. लेकिन आप नहीं कर पाए. What is the hope? आपकी आशा क्या है? My dear friends, I stand here and speaking to you and offer you a hope. मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपके सम्मुख खड़ा हूँ और मैं आपको एक आशा को देता हूँ. It says there, then Jesus came. और उसके में यहाँ पर लिखा है तब यीशु मसीह आया. Jesus came into her village. और यीशु मसीह उसके गांव की ओर आया. Jesus came into her synagogue. और यीशु मसीह उस आराधनालय में पहुंचा. That Sabbath day. और उस सबत के दिन. She chose to go to the place of worship. और उसने चुना कि वो भी आराधनालय की ओर जाएगी. There is no deliverance as long as we avoid the presence of the Son of Man. और याद रखिए, तब तक कोई छुटकारा संभव नहीं है जब तक हम पर मनुष्य के पुत्र की उपस्थिति से दूरी बना करके चलते हैं. Let me say it again. मैं फिर से कहना चाहता हूँ. You will find no deliverance. आप तब तक कोई छुटकारा नहीं पाएंगे. For a problem such as this. और ऐसी समस्याओं से. If we continue to avoid the presence of the Son of God and hear His word. अगर हम परमेश्वर के पुत्र की महिमा और उसकी उपस्थिति से दूरी बना करके चले. That is the only hope. और यही सिर्फ हमारी एकमात्र आशा है. And today, और आज के दिन, this offer is still available. और ये मौका आप सबके लिए उपलब्ध है. But one of these days, that opportunity will be over. लेकिन इन दिनों में से किसी भी एक दिन ये मौका रुक जाएगा. Because according to the promise of God, Jesus Christ Himself will come and remove His church from the face of the earth. क्योंकि यीशु मसीह के खुद के वादे के अनुसार यीशु मसीह आएगा और अचानक से वो एक कलीसिया को पलक झपटे उठा But लेगा. Today, लेकिन आज के दिन is a day of freedom. आज के दिन ये स्वतंत्रता का you दिन can है. Come to Jesus. आप यीशु के पास आ सकते हैं. And find this deliverance. और इस छुटकारे को पा सकते हैं. Hallelujah. Hallelujah. This is the hope. यही हमारी आशा. Holy Spirit of God. परमेश्वर की पवित्र आत्मा. You are the one who brings convictions of sin. और आप वो हैं जो पाप के प्रति हमें कायल करते हैं. You are the one who opens our eyes to see the truth. और आप ही हैं जो हमारी आंखों को खोलते हैं ताकि हम सत्य को देखें और जानें. And now, Lord, I pray that Your Spirit will move upon everyone who listens. और अब मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की आपका आत्मा का चलन हर एक के ऊपर हो जो इस वचन को सुनता. Let them open their hearts. होने दे वो अपने हृदयों को खोलें. That they may be made whole. ताकि वो भी संपूर्ण बना दिए जाएं. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen.